दोस्तों, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध की नई शैली विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में नायक के रूप में स्मरण किए जाने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए शिवाजी राजे जन्मोत्सव की शुरुआत की। शिवाजी महाराज का जन्म मराठा परिवार में 19 फरवरी 1627 को शिवनेरी में हुआ था। वे भारत के वीर सपूतों में से एक थे। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव भी कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। अपनी वीरता से शक्तिशाली मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले सम्राट छत्रपति शिवाजी न सिर्फ एक महान शासक थे बल्कि दयालु योद्धा भी थे। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार किया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापामारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आजाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़े लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खान को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बगनखे का शिकार होकर वो स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गई। शिवाजी महाराज की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी अंगुलियां कट गई। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में लगभग 1,00,000 सैनिकों की फौज भेजी। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी को वज्रगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराज जयसिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि की शर्तों पर सहमत हो गए और 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे किले। विवरणकारों के अनुसार शिवाजी के पास 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वे बड़ी रकम खर्च करते थे। शिवाजी ने कई दुर्गों पर अधिकार किया, जिनमें से एक था सिंहगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीरगति पाई थी। बीजापुर के सुल्तान की राज्य सीमाओं के अंतर्गत रायगढ़ में चाकन, सिंहगढ़ और पुरंदर सरी के दुर्ग भी शीघ्र उनके अधिकारों में आ गए। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने ही भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। उनकी इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने अमेरिका से जंग जीत ली थी। इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिव सूत्र में मिलता है। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध है। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित तुलजापुर एक ऐसा स्थान है जहाँ छत्रपति शिवाजी की कुल देवी माँ तुलजा भवानी स्थापित है, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुलदेवी के रूप में प्रचलित है। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी माँ तुलजा भवानी है। शिवाजी महाराज उन्हीं की उपासना करते थे।
मान्यता है कि शिवाजी को खुद देवी मां ने प्रकट होकर तलवार प्रदान की थी। अब ये तलवार लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं।